हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। ये देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। ये मेरे चार पीस हैं जो तीन तीन इंच के हैं, ये मेरे दो पीस हैं जो तीन तीन इंच के हैं, ये मेरा एक पीस है जो 4 इंच का है, और ये भी मेरा एक पीस है 4 इंच का है, और ये मेरे चार पीस हैं जो दो दो इंच के हैं, और ये मेरा चार पीस है जो 2 इंच से थोड़ा सा कम है। तो फ्रेंड्स, अभी ये मैंने आपको नाप बता दिया, तो अब मैं आपको इनको सेट करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दो पीसों को लेंगे और बीच में लाइन लगाएंगे, और लाइन लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसको कट करेंगे सिलने के बाद। तो ये देखिए, मैं आपके सामने लाइन लगा ही देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने लाइन लगा ली है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको लाइन लगा के ही सिलना बताती हूँ। तो ये देखिए, मेरी लाइन लग गई है। हमें साइड साइड की छोड़ के, बीच की छोड़ के साइड साइड में हमें सिलना है। तो मैं इसको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको आगे का डिज़ाइन बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पीस सिल लिया है। अब क्या करेंगे, हम बीच में से इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद ये हमारे डबल छेड़ के दो पीस हो जाएंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे डबल छेड़ के हो गए। अब हम इस पीस को लेंगे, अब इसमें हम इन चारों को फैला लेते हैं। तो ये हमारे चारों पीस हमने फैला लिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला लेंगे, तो हम एक एक पीस इस पे यहाँ कोने पे इसको रख लेंगे। ये हमारे एक एक पीस हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से लाइन लगाएंगे। तो देखिए, इस नोक से इस नोक तक इस तरीके से, तो हम सब पे लाइन लगा लेते हैं फ्रेंड्स। फिर हमको इसी लाइन पे हमें सिलना है, तो हम इस लाइन पे सिलेंगे, और बाद में जो हमारा ये एक्स्ट्रा होगा, ये मैं निशान लगा देती हूँ, जो हमारा ये एक्स्ट्रा है, फिर हम इसको इधर वाले को कट करेंगे, और ये वाला ये इस तरीके से यहाँ ऐसे आ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं पहले ये सिल लेती हूँ, फिर आपको आगे का डिज़ाइन बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये चारों पीस सिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा कट करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। और ये देखिए, ये इस तरीके से कि हमने एक कट किया और दूसरा तैयार हो गया। ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं सारे पीस कट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे का डिज़ाइन बताती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सिल गया हो गया। और एक बात फ्रेंड्स, मैं एक पीस आपको बताना भूल गई कि ये मैंने इस ये पीस दो पीस बताए थे, असल में ये 3 पीस थे फ्रेंड्स, मुझसे मिस्टेक हो गई। और एक ये हमें ऐसी पट्टी लेनी है, ये 1.5 इंच की है और 5 इंच की इसकी लंबाई है, ये हमें इस एक पीस के साथ अटैच करनी पड़ेगी। तो मैं आपको इसका भी बताती हूँ फ्रेंड्स कि ये पीस हमारा हो गया। और इस पीस को हम क्या करेंगे, इस पीस को सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे। ये हमारी लाइन लग गई। अब हम इसमें से इसको बीच में से कट करेंगे। तो ये हमारा कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बीच में कपड़ा जोड़ेंगे, ये वाली पट्टी जोड़ेंगे। तो हम कैसे करेंगे, पहले यहाँ इसको रखेंगे, यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे और पलट देंगे, और जब हमारा ये सिल जाएगा तो हम दूसरे को भी इस पर रख के सिल देंगे और पलट देंगे। तो ये हमें इस तरीके से जुड़ा होना ऐसा चाहिए फ्रेंड्स। तो इसको भी हम सिल लेंगे। और ये जो पीस है, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एक पीस लगाएंगे। तो ऐसे हम एक एक पीस लगाएंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से। ऐसे हम एक एक पीस लगाएंगे कि इस पे हम फिर इसको इस तरीके से लगा के हम लाइन लगाएंगे। तो हमें ये ज़्यादा बड़ा पीस तो हम यहाँ बीच में से नहीं सिलना है फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा पहले हम एक लाइन लगा लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया रहे। ये इस तरीके से हल्की सी मैंने लगाई है। इसे क्या है, इससे हमें थोड़ा नीचे लाइन लगानी है, ये इस जगह पर। तो यहाँ पर हमें लाइन लगानी है, तो हम यहाँ पर इसी लाइन पर सिलेंगे फ्रेंड्स। तो पहले आप इस तरीके से ही नाप लीजिएगा। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया फ्रेंड्स,
ताकि हमारे कपड़े में थोड़े भी कमी ना रह जाए। तो पहले हम इसको लेंगे, फिर जिस पे हमें सिलना है तो हमें इस वाली पे सिलना है फ्रेंड्स, इस वाली पे नहीं सिलना है। तो पहले ही रॉन्ग राइट का निशान लगा देते हैं कि हमें इस पे सिलना है। ऐसे ही फिर तो हमें सारे पीस फ्रेंड्स इस तरीके से ही चाहिए। ये देखिए, आपको डिज़ाइन में अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो ये देखिए, ये सारे एक एक ही डायरेक्शन में हैं। तो हमें इसी तरीके से लाइन लगा के और आगे वाली लाइन पर ही हमें सिलना है। तो हम राइट रॉन्ग भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि हमें पता रहे कि हमें कौन सी लाइन पर सिलना है। तो मैं ये सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ, और ये भी साथ के साथ मैं सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है और ये मेरे सिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको कट करना है। तो कट हम थोड़ा आगे से करेंगे, ये इस तरीके से। ये मेरा एक्स्ट्रा पीस है फ्रेंड्स, ये देखिए, बाद में हमें इसके नाप का ये पीस कट करना है। तो ये मेरे पीस सिल भी गए हैं और कट भी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम पहले इसमें अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप चाहे तो हाथ से ही इसको अच्छी तरीके से सेटिंग कर लीजिए इसकी, वरना आप इस पर सीधे डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने हाथ से इसको अच्छे से प्रेस कर दिया, नाखून से, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, हमें इस तरीके से इसको लेना है। ये हो गया, और ये इसको हमने यहाँ से ऐसे ले लिया। तो ये देखिए हमारा हो गया है इस तरीके से। फिर हम इसको करके इसको कट कर देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा फ्रेंड्स। तो बाकी के भी सब सेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इनका डिज़ाइन सेट करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस सेट हो गए हैं। तो हमने सारे एक नाप के सारे बराबर पीस कट करके बिल्कुल सेट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब मैं इनका आपको डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन सेट हो गया है। अब हम इसको बारी बारी सिलेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से सिलेंगे इसको रख के, फिर हम इसको यहाँ से सिलेंगे। तो ये मेरी एक लाइन कंप्लीट होगी। तो ऐसे ही हमें ये सिलना है फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये लाइन सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये डिज़ाइन सिल लिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ऐसे सिलेंगे। तो हम यहाँ पिनअप कर लेंगे, जोड़ को जोड़ से मिलाएंगे और ऐसे सिल देंगे। ऐसे ही हम फ्रेंड्स ये करेंगे कि हम यहाँ इसको जोड़ से जोड़ को मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्यारा सा फूल तैयार हो गया है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे ही डिज़ाइन आप बना बना के कुछ ना कुछ यूज कीजिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।